सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग जो है एक ऐसी सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आज से हम लोगों की जियोग्राफी की एक नई सीरीज चलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और लमसम 1000 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेंगे और पर डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही बीच बीच में आपके जो है इनामी क्विज करवाई जाएगी जिसमें आपको मिलेंगे आकर्षक उपहार। मतलब पढ़ो और जीतो, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको एक से एक पुरस्कार दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि 100 रुपये का पुरस्कार अभी रखा गया है, तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और हमारे लकी विनर बनते हैं, लकी व्यूअर बनेंगे, अगर आप वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देंगे और अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। और वो पुरस्कार आपको डायरेक्ट गूगल पे के द्वारा, अगर कैश दिया जाएगा तो गूगल पे के द्वारा दिया जाएगा, अगर कुछ प्राइज दिया यानी कि उपहार दिया जाएगा तो वो आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है कुछ नहीं करना, केवल आप अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर से मैं वहां से छांटूंगा कि कौन सा बच्चा है जो ज़्यादा एक्टिव है हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब दिया है। उन बच्चों को जो है लिस्ट किया जाएगा, लिस्ट करने के बाद उनमें से कुछ बच्चों को इनाम दिया जाएगा, तो क्यों ना आप उसमें शामिल हो जाएं। तो जी हाँ, आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है और शाम को 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ, तब तक एक बार जल्दी से हर जगह शेयर कर दीजिए और आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 500 बच्चे जरूर जुड़े हमारे साथ। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं जीएस स्पेशल जियोग्राफिक कंप्लीट प्रैक्टिस टॉप 1000 क्वेश्चन। तो चलिए हम उसमें का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आपकी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो पृथ्वी में अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर भारत का जो हिस्सा है वो है 2.4%। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो हिस्सा है वो 2.4% है। और वहीं अगर हम बात करें आगे तो ये जो है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 32,87,263, ठीक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। और वहीं अगर हम आगे बात करें तो 17.5% जनसंख्या, पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व की 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, जो हमने जनगणना पढ़ी थी उसमें हमने पूरा विस्तार से बताया था कि 17.5% हिस्सा जो है भारत में निवास करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार छोटा है। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा भारत, सही आंसर इसका हो जाएगा भारत। लेकिन अगर आपको एक ट्रिक बता दूं तो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, मतलब ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के नाम है। रू का मतलब हो गया रूस, का मतलब हो गया कनाडा, चीन आपका है ही है, आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राजील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भा से हो गया भारत। मतलब पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील और आपका ऑस्ट्रेलिया है छठवें नंबर पर और भारत है 7वें नंबर पर। तो ये है हमारे क्षेत्रफल के आधार पर स्थित देश। तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको मजा आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक तुरंत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि
प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे क्या कहते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं, और 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ही आपका, जो कि देखिए अगर आपको ना पता हो तो मैं बताता हूं, इंदिरा पॉइंट के बारे में। भारत का जो सबसे, भाई ये हमारा भारत है, ठीक, ये हमारा भारत मान लीजिए, अब नक्शे पर मत जाइएगा, और इंदिरा पॉइंट आपका यहां पे है अंडमान निकोबार में। 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए, तो इसका नाम है इंदिरा काल। और अगर भारत की स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो यहां पर मिलेगा आपको, जिसका नाम है कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिणी बिंदु है भारत के स्थलीय सीमा का, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और जबकि अगर केवल पूछ लिया जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका पड़ेगा क्या, वो पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। और वहीं अगर जो है आपका पूर्वी बिंदु की बात की जाए, तो उसका नाम है किबुथू, किबुथू, ठीक, सबसे पूर्वी बिंदु जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और वहीं अगर जो है आपके पश्चिम की बात की जाए, पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, तो वो है गौर माता पॉइंट, ठीक। तो ये था आपका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, ठीक, ये आपका क्या हो गया किबुथू, और ये हो गया गौर माता, ये हो गया इंदिरा काल, और ये हो गया कन्या कुमारी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, प्रश्नों के कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्नों के जवाब देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। फिर से समझिएगा, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट जो कि भारतीय प्लेट, मतलब जहां पर भारतीय प्लेट स्थित है, वह किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था समझिएगा, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो पृथ्वी पर द्वीप और महाद्वीप उस तरह नहीं रहते हैं। केवल ये जैसे पृथ्वी है, इसमें दो भाग था, एक तो आपका था पैंजिया और एक था आपका पैंथालसा। जो पैंथालसा था, जो हमारे पांचों महासागर हैं, वो पैंथालसा कहलाते थे, और जो हमारे द्वीप हैं, वो द्वीप जो कहलाते थे वो पैंजिया कहलाते थे। हुआ क्या कि आने वाले समय में ये जो पैंजिया है, ये दो भागों में टूट गया, जिसका नाम जो पड़ा वो पड़ा आपका क्या पड़ा, जानते हैं, एक तो पड़ा गोंडवाना लैंड, एक पड़ा आपका गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड चूंकि दक्षिणतम, जो आपका दक्षिणी हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था, तो इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग जो है भारत है हमारा, जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट ये जो दिख रही है आपको, का गोंडवाना लैंड ही है। गोंडवाना लैंड से आपको जो है दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी हिस्सा जितना भी है, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया आपका, भारत हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, तो ये सब आपका गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि भारतीय प्लेट जहां पर, मतलब किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा गोंडवाना लैंड। जी हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है। कह रहा है गुरु शिखर क्या है। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर क्या है। पहला, आरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दूसरा, एक प्रसिद्ध सिख कवि। तीसरा,
एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, अगला 19वीं सदी का साहित्य। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर की अगर बात की जाए तो गुरु शिखर जो है वो आपकी आरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की बात की जाए तो ये आरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कीजिए और उत्तर बताइए इसका क्या होगा, आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये आपकी गुरु शिखर है, अभी अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। सफेद रेगिस्तान, प्रश्न क्या कह रहा है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। मैं जानता हूं कि इसका जो है बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है सफेद रेगिस्तान, इसमें कह रहा है सफेद रेगिस्तान, तो कुछ लोग सोचेंगे कि सफेद का मतलब हो गया बर्फ, और बर्फ हमारी कहां पाई जाती है? बर्फ हमारी उत्तर भारत में पाई जाती है, और उत्तर भारत में जो पर्वतीय इलाके हैं अर्थात हिमालयी क्षेत्र हैं, तो अर्थात सबके दिमाग में आएगा जम्मू कश्मीर सही होगा, लेकिन गलत है दोस्तों। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात में जो आपका जो कच्छ का रण है, जिसको कहते हैं जो कच्छ का रण है, वही आपका जो है क्या है, वही आपका सफेद रेगिस्तान है। इसी को आप क्या कहते हैं, सफेद रेगिस्तान कहते हैं। और इसकी जो लवणीय मरुस्थलीय रेत के लिए यह प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, लवणीय लवणीय मरुस्थलीय रेत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो लवणीय मरुस्थलीय रेत के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेत्रानी द्वीप कहां है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए इसका, इसका कमेंट कीजिए, और इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत है, इसका ऑप्शन काट दीजिए आप। इसमें आप लोग बताइए कि नेत्रानी द्वीप कहां पर है। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप न जानते हो तो जान लीजिए, कर्नाटक, सुने होंगे आप लोगों, आप लोग कर्नाटक में ये पड़ता है, कर्नाटक में नेत्रानी द्वीप पड़ता है, और ये अरब सागर में स्थित है, कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, और ये कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, जो कि कर्नाटक से 18 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक से 18 किलोमीटर दूर है, और इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, इसी को कहते हैं पिजन आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसी का एक नाम है पिजन आइसलैंड, तो इसी का एक नाम है पिजन आइसलैंड। तो नेत्रानी द्वीप कहां पर पड़ता है, तो नेत्रानी द्वीप आपका कर्नाटक से अरब, मतलब कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, और ये द्वीप जो है वो अरब सागर में है, कर्नाटक से जो है ये कितनी दूरी पर है, 18 किलोमीटर है। तो आप लोग सोच रहे हो कर्नाटक में कहां से, तो उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, उसका नाम है, देखिए कर्नाटक के एक नाम है मुरुदेश्वर तट। जी हाँ दोस्तों, मुरुदेश्वर तट, कर्नाटक के मुरुदेश्वर तट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। जी हाँ दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह को, प्रश्न समझिएगा क्या कह रहा है, कि अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा डैश निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से क्या चीज अलग करती है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको अगर ना पता हो तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका ये आपका अंडमान और निकोबार को अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। जी हाँ दोस्तों, 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका, वो आपका अंडमान को निकोबार से अलग करती है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है आपका, वो मिनिकाय
ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिनिकाय कहां पर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिनिकाय कहां पर है। जल्दी जल्दी एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि जो है ये 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, ये 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है मिनिकाय और मालदीव के बीच में है। मिनिकाय और मालदीव को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं अगर 9 डिग्री चैनल की बात की जाए, तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें सारे प्रश्नों को लिखते चलिए जो भी मैं बता रहा हूं। तो हमने आज क्या बताया कि 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है, उसी तरह 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर कोको द्वीप की बात की जाए, एक आपका कोको स्टेट है जो कि आपका यहां पे लिखता हूं मैं, कोको स्टेट किसको किसको अलग करता है, देखिएगा। कोको स्टेट आपका कोको द्वीप और म्यांमार को अलग करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्न बन जाए कि कोको द्वीप और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है या कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो आपकी कोको स्टेट है जो कि दोनों को अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आप लोगों के सहयोग से आज आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 500 लोग पहुंचने चाहिए यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे लकी विनर बनिए, लकी व्यूअर बनिए और जीतिए आकर्षक उपहार। तो चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, इसी में एक चैनल और देखेंगे हम, जो कि है आपका ग्रांड चैनल। क्या नाम है उसका, ग्रांड चैनल देखेंगे हम। तो ग्रांड चैनल में जो आपका है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। एक चीज और लिख लीजिए आप, ग्रांड चैनल जो है आपका वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ऐसा है जो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो चलिए बताइए दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप पर 36 द्वीप पाए जाते हैं और ये 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 36 द्वीप पाए जाते हैं और 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ पर केवल 10 ही द्वीप ऐसे हैं, 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर जो है मनुष्य पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा नील सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नील जो है ये आपका अंडमान के दक्षिण में स्थित है। ये द्वीप अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि लक्षद्वीप पर टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें 10 द्वीप ऐसे हैं जिसपे मानव बस्तियां हैं, और 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक दो नाम बता दें कि लक्षद्वीप पे कौन कौन से द्वीप हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कौन कौन से द्वीप हैं। मोहित, आशीष, दिलीप, पंकज, सुनील, शोभित, देवेश, पुनीत। जी हाँ, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, मिनिकाय, करवती, कदमत, कल्पेनी, किल्तान, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो हाँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। कह रहा है कि द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा द्वीप है जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी, और भारत का ही नहीं पूरी एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो क्या नाम है उसका। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, और इसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। केवल भारत का ही नहीं बल्कि ये एशिया का भी जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर से कितना, 135 किलोमीटर की दूरी पर
है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर इसका पहला उद्गार पूछ लिया जाए तो इसका पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? और मैं जानता हूं किसका जवाब आप लोग दे देंगे, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन जवाब देता है। तो दीपक, पंकज, देवेश, पुनीत, आशीष, धर्मेंद्र, आप लोगों का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 70 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात की जाए तो लगभग 70 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखती हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। कह रहा है बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? तो चलिए हम देखते हैं कि बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है। अगर मैं जवाब दूं तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। वहीं अगर हम एक चीज जान लें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों में आ जाएगा बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। जी हाँ दोस्तों, बचपन में MBA किया, ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक, ये आपके क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये हो जाएगा आपका चा से चीन, बा से भूटान, पा से पश्चिम बंगाल। ओ एक मिनट रुक जाइएगा एक मिनट। बचपन में MBA किया, चा से आपका हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, फिर मे साइलेंट है, यम से हो जाएगा आपका यम से आपका क्या हो जाएगा बी से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। मतलब देखिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक मैं बताता हूँ क्या हो जाएगी, मिनट रुक जाएगा। इसमें है यही ट्रिक, लेकिन इसमें कैसे नाम है वो मैं बताता हूँ। तो आप अगर इधर से चलिए, देखिए यही आपका जो भारत का हिस्सा है ऐसे ही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद चीन है, चीन के बाद आपका नेपाल है, नेपाल के बाद आपका भूटान है, भूटान के बाद आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार है। जी हाँ दोस्तों, यही है आपके पड़ोसी देश। तो आपके क्या क्या हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या बताया, बचपन में MBA किया, तो इसमें बा, हाँ ठीक है, बा से आपका हो गया बांग्लादेश, फिर चा से हो गया चीन, ठीक है, बचपन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, मा साइलेंट है, और यम से हो गया यम, यानी कि यम से मा, यानी कि म्यांमार हो गया। उसके बाद फिर बी से हो गया आपका क्या, भूटान हो गया, ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, ठीक, और की आपका साइलेंट है। तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लाइन है वो बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद फिर म्यांमार से, उसके बाद भूटान से, और उसके बाद अफगानिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आपकी ट्रिक, बचपन में MBA किया और ये है उसके पड़ोसी देश। तो चलिए की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? जी हाँ दोस्तों, एक चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, जल डमरू मध्य, कि आखिर जल डमरू मध्य है क्या। तो जल डमरू मध्य का मतलब होता है कि जब किसी दो स्थलीय क्षेत्र को एक जलीय क्षेत्र के द्वारा जोड़ा जाता है तो वो जल डमरू मध्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका जो है, जो भारत देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है वो है पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। जी हाँ दोस्तों, पाक जल संधि जो है वो आपकी भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और वहीं अगर बात करें किसको अलग करती है, जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि किसको अलग करती है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी मन्नार की खाड़ी,
और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो जो पाक जल संधि है ये आपकी मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है 64 से 137 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पाक जलसंध की जो चौड़ाई है वो 64 से 137 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि सर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, या फिर कुछ कमी रह गई हो तो उसको बताइए और लगातार जो है इसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए देखिए अब आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अगर आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे तो जरूर आपको धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत ही, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है यहाँ पे अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख रहे होंगे आप जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए वो सभी जो है परीक्षा में पूछे गए थे। तो लगातार ये आपकी सीरीज चलती रहेगी और एक से एक सीरीज में चलाऊंगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि पढ़ना है, और पढ़ेंगे आप तो जीतेंगे इनाम, और केवल यही नहीं पढ़िए भी जीतिए भी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा है निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अरेबियन समुद्र की रानी, तो ये आपका कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह को ही अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है या एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में एक से में से एक है। 8 सबसे आकर्षण केंद्र में एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। एक बार फिर समझिएगा, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है, दुनिया में जैव विविधता के 8 आकर्षण केंद्र में से एक है, कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो पश्चिमी तट ये है आपका, पश्चिमी तट ये है आपका, और इसी के समांतर एक पर्वत श्रृंखला आपकी चलती है, एक पर्वत श्रृंखला चलती है। और तो अगर बात किया जाए, जैसे इसमें कह रहा है कि भारत के महा भारत का महान ढलान भी कहते हैं, तो ये कौन सा है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो श्रृंखला है ये आपकी 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कीजिए, आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर तक हम चलते हैं। कह रहा है भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम आपको बता दें तो विंध्याचल भारत की ही एक अच्छी पर्वत श्रृंखला है जो कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। वहीं सतपुड़ा की बात की जाए, आरावली की बात की जाए, ये भी आपकी प्राचीन ही पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर आप हिंदू कुश की बात करें तो हिंदू कुश जो है आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखिए पुनीत ने कमेंट किया है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। जी हाँ, सही कहा आपने, जो आपकी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन वही विंध्याचल, सतपुड़ा, आरावली ये सब बात की जाए तो ये सब भारत में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला की बात की जाए तो पहली महिला इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जुंको ताबेई। जो जुंको ताबेई हैं भारत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। और वहीं अगर अरुणिमा सिन्हा की बात की जाए तो भारत की मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली विकलांग महिला, अर्थात सोच लीजिए कि जिनके पैर, जिनका एक पैर जो है एक दुर्घटना में जो है खराब हो गया था, कट गया था ट्रेन दुर्घटना में, तो सोच लीजिए कि हौसला अर्थात जुनून ऐसी चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो है आपके अंदर जुनून है तो आप जरूर सफल होंगे और जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अरुणिमा सिन्हा की बात की जाए तो पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो अरुणिमा सिन्हा है।
और जुंको ताबेई की बात की जाए तो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो जुंको ताबेई हैं। वहीं अगर हम इनके बारे में और बात करें, जुंको ताबेई के बारे में अगर हम और बात करें, तो 16 मई 1975 को इन्होंने फतेह किया था। कब? 16 मई 1975 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि 16 अक्टूबर 2016 को जुंको ताबेई की मृत्यु हो गई। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले डाडट ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप हुबली की बात करें, कर्नाटक, तो कर्नाटक आपका कहाँ पर है? अगर आप बात करें तो कर्नाटक आपका यहाँ पर होगा, तो ये दक्षिण है और ये आपका क्या है? पश्चिम है। तो ये दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे है, तो अर्थात दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं तक था। 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर 20 क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आज हम जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था भारत का सामान्य परिचय। आज पहला दिन था, इसीलिए केवल 20 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और आगे जो है आपको ऐसे ही लगातार क्वेश्चन दिए जाएंगे। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा राज्य का परिचय। जी हाँ दोस्तों, कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा राज्य का परिचय। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखिए, आरकेवाई सर अर्थात राजेश सर के द्वारा मैथ की एक क्लास चलाई गई थी और मैथ भी आपकी पड़ी हुई है। बेसिक मैथ आप वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है। ये आपकी काम समय की क्लास चली थी और देखिए, अगर आप हमारे साथ बने रहते तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वहीं रीजनिंग की मैराथन क्लास चलाई गई थी, जो कि आपकी क्लॉक चैप्टर पूरा एक वीडियो में पूरा क्लॉक समाप्त कर दिया गया था। तो आप, ये सब मैराथन क्लास है, ये सब ऐसी क्लासेस हैं जिसको आपको देखना जरूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ था आपका। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।